स्वरागिनी संयोगिता समीक्षा तीनों बहनें बाजार में घूमने के लिए जा रही होती हैं। वो तीनों गांव में सबसे अलग होती हैं। उनके बाल सोने से सुनहरे होते हैं। तभी स्वरागिनी कहती है, आज हमारे गांव में मेला लगा है, वहां पर चलते हैं, वहां कई सारे झूले लगे होंगे। हाँ, और मुझे तो कई सारा खाना भी खाना है, चलो चलते हैं मेले में। तीनों बहनें मेले में पहुंच जाती हैं, जिसके बाद स्वरागिनी संयोगिता समीक्षा तीनों मेले के अंदर झूले झूलने लगती हैं। मेले के अंदर चारों तरफ चहल पहल होती है, सभी लोग काफी खुश नजर आ रहे होते हैं। तभी अचानक से जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। अरे ये क्या, अचानक से इतनी जोर से आंधियां क्यों चलने लगी? गांव के सभी लोग यहां से वहां भागने लगते हैं। देखो मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो हम भी यहां से चलते हैं। अरे कहां जा रहे हो, वो देखो वहां पर क्या है। तभी उन तीनों को आसमान में एक बहुत भयानक चुड़ैल उड़ती हुई नजर आती है। हे भगवान, ये तो एक चुड़ैल है, चुड़ैल। तभी चुड़ैल आसमान में जोर जोर से हंसने लगती है। कहां भाग रहे हो तुम, मुझसे जितना भी भाग लो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। गांव के सभी लोग चुड़ैल से बचकर यहां से वहां भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वरागिनी संयोगिता और समीक्षा भी चुड़ैल को देखते ही भागते हुए एक घर के पीछे छुप जाते हैं। आखिर ये चुड़ैल इन गांव वालों को क्यों मार रही है? मैं नहीं जानती, मुझे तो लगता है ये चुड़ैल लोगों को मारकर खाती होगी। मुझे तो माँ की चिंता हो रही है, पता नहीं माँ कहाँ पर है। चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए और माँ को ढूंढना चाहिए। समीक्षा संयोगिता स्वरागिनी तीनों अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं, लेकिन उन्हें उनकी माँ कहीं भी नजर नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल गांव के कुछ लोगों को मारकर चली जाती है। आखिर ये चुड़ैल कौन है और क्यों हम गांव वालों को मारती जा रही है? तभी वहां पर स्वरागिनी संयोगिता और समीक्षा घायल लोगों को देखकर हैरान रह जाती हैं। स्वरागिनी 10 साल की थी, समीक्षा और संयोगिता से बड़ी थी। जैसे वो घायल लोगों को देखती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनके पास जाती है। बाबा उठो बाबा, आपको कुछ नहीं होगा। जैसे ही वो उस घायल बुजुर्ग को उठाती है वो अचानक से बिल्कुल ठीक होने लगता है, जिसके सभी घाव मिट जाते हैं। ये देखकर वो बुजुर्ग आदमी हैरान रह जाता है। अरे कौन हो तुम और तुम्हारे अंदर ये शक्तियाँ कहाँ से आई? मैं नहीं जानती कि मेरे अंदर ये जादुई शक्तियाँ कहाँ से आई। स्वरागिनी एक एक करके घायल लोगों को उठाती है, उसके छूने से सभी लोग ठीक हो जाते हैं। इस बात से गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हमारे गांव में एक चुड़ैल तो है ही, लेकिन तीन सोने के सुनहरे बालों वाली लड़कियां भी हैं, जो अपनी जादुई शक्तियों से हम लोगों की मदद करती हैं। तभी वहां उन तीनों की माँ दुर्गा आ जाती है और उनसे कहती है, तुम तीनों यहां क्या कर रही हो, चलो यहां से घर चलो। दुर्गा उन तीनों को घर ले आती है, जिसके बाद दुर्गा अपनी तीनों बेटियों से कहती है, देखो मेरी बच्चियों, तुम्हारे अंदर जो जादुई शक्तियां हैं लोग उसका गलत फायदा उठा सकते हैं, इसलिए तुम्हें अपनी शक्तियों को उन सभी लोगों से छुपाना है और किसी को इसके बारे में नहीं बताना। समीक्षा सबसे छोटी 5 साल की होती है और वो बड़ी ही मासूमियत से पूछती है, माँ जब हमारे पास जादुई शक्तियां हैं तो हम इन जादुई शक्तियों से लोगों की मदद क्यों नहीं कर सकते और आप हमें लोगों की मदद करने से क्यों रोकती हो? क्योंकि मेरी बच्चियों मैं डरती हूँ तुम तीनों को खोने से, कहीं ये गांव वाले तुम्हारी इन शक्तियों का फायदा ना उठा ले। दुर्गा जितना भी अपनी तीनों बेटियों को उनकी शक्ति इस्तेमाल करने के लिए मना करती, उसकी तीनों बेटियाँ उतना ही गांव वालों की मदद करती। एक दिन एक रास्ते पर एक बहुत ही बुजुर्ग औरत घायल पड़ी होती है। हे भगवान इन्हें क्या हो गया? जैसे ही स्वरागिनी उन्हें उठाने की कोशिश करती है उसके स्पर्श से उस बूढ़ी औरत के सभी जख्म ठीक हो जाते हैं, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत कहती है, मेरी मदद करने का तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ये हालत किसने की? मेरे बेटे और मेरे बहू ने मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया। मेरी बहू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं अपना गुजारा कर सकूं। उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर स्वरागिनी संयोगिता समीक्षा अपने सोने के बाल तोड़कर उस बूढ़ी औरत को देती हुई कहती है, अम्मा जी ये हमारे सोने के बाल हैं, आप इनकी मदद से अपनी परेशानियों को दूर कर सकती हो और फिर कभी हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद कर लीजिएगा। लेकिन तुम तीनों लड़कियां कौन हो और तुम्हारे सर पर ये सोने के बाल कहां से आए और तुम्हारे अंदर तो जादू भी है, ये सब तुम्हें कैसे मिला? देखिए इसके बारे में हमें भी नहीं पता।
ऐसा कहकर स्वरागिनी अपनी दोनों बहनों के साथ वहां से चली जाती है। जब भी कोई मुसीबत में होता तो वो तीनों हर किसी की मदद करती। एक दिन अचानक से गांव में चुड़ैल फिर से आ जाती है। नहीं बचोगे, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम सबसे मैं अपनी मौत का बदला जरूर लूंगी। चुड़ैल एक एक करके गांव वालों को पकड़ती और उन्हें मार देती। तभी वहां से समीक्षा, संयोगिता और स्वरागिनी गुजर रहे होते हैं। चुड़ैल को देखकर स्वरागिनी डर जाती है और अपनी दोनों बहनों को वहां से ले जाने लगती है। लेकिन तभी संयोगिता और समीक्षा लोगों को तड़पते हुए देख गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो चुड़ैल का सामना करने के लिए उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद संयोगिता अचानक से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, जिसके चलते संयोगिता अपने मुंह से आग निकालती है। वहीं समीक्षा अपने हाथों से बिजली निकालती है और दोनों चुड़ैल के ऊपर वार करती है। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरा मुकाबला करोगी और मैं हार जाऊंगी? अभी देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। चुड़ैल भी अपनी शक्तियों से संयोगिता और समीक्षा के ऊपर वार करने लगती है। दोनों तरफ टक्कर बराबर की होती है। वहीं दूसरी तरफ स्वरागिनी घायल लोगों को स्पर्श करती है और उन्हें दोबारा से जिंदा कर देती है। तभी वहां पर दुर्गा आ जाती हैं और ये सब देखकर रोने लगती है। जिसके बाद दुर्गा चुड़ैल के सामने हाथ जोड़कर उससे कहती है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा अनर्थ मत करो। एक तरफ तुम हो और एक तरफ है तुम्हारी ही बेटियाँ। मैं इस राज को और नहीं छुपा सकती, आज तुम्हें ये राज जानना ही होगा। दरअसल ये सुनहरे सोने के बालों वाली लड़कियाँ तुम्हारी ही बेटियाँ हैं। ये सुनकर चुड़ैल एकदम से ठंडी पड़ जाती है। उस दिन जब तुम काली शक्तियों की पूजा कर रही थी, उस समय गांव के लोग तुम्हारी शक्तियों से बहुत डर चुके थे, इसलिए उन्होंने तांत्रिक बाबा को बुलाकर तुम्हें यहाँ से भगाने की कोशिश की थी। तांत्रिक बाबा ने तुम्हें यहाँ से भगा तो दिया, लेकिन तुम्हारी शक्तियों से इन तीनों सुनहरे सोने के बालों वाली लड़कियों ने जन्म लिया। लेकिन ये तुम्हारी तरह क्रूर नहीं थी, इन्होंने जन्म से ही लोगों की मदद की। इनके अंदर अद्भुत शक्तियाँ हैं, एक के अंदर बिजली है तो दूसरी के अंदर ज्वाला और तीसरे के अंदर लोगों को जिंदा करने की शक्तियाँ हैं। जहाँ मैं लोगों को मारकर अपनी मौत का बदला ले रही थी, वहीं मेरी इन बच्चियों ने लोगों की मदद की। मेरे इतने कठोर होने के बाद भी मेरी बेटियां हमेशा लोगों की मदद करती रहीं। आज मुझे इनसे सबक मिला है कि कठोर होने से केवल लोगों को नुकसान ही पहुंचता है, इसलिए हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। लोगों की मदद करने से हमारे दिल को शांति भी मिलती है और सुकून भी। उस दिन के बाद से चुड़ैल का बर्ताव बहुत बदल जाता है और वो अपनी सुनहरे सोने के बालों वाली बेटियों के साथ मिलकर गाँव के लोगों की मदद करती है। सोने चांदी के बाल वाली चुड़ैल। प्रतापगढ़ नामक एक गांव में बहुत सुंदर सा महल था। दिन के समय तो वो महल बेहद ही खूबसूरत दिखता था, लेकिन जैसे ही रात होती थी वो महल एक भूतिया महल में बदल जाता था। ऐसे ही एक रात की बात है, जब उस महल के सामने दो लोग गुजर रहे थे, तभी मोहन रमेश से बोलता है, ये हवेली कई समय से बंद पड़ी है, इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ खजाना होगा, चल चल कर देखते हैं। हाँ चल चल कर देखते हैं। दोनों ही जैसे महल के अंदर घुसते हैं तो वो महल में दो सुंदर सी लड़की को देखते हैं, जो सोई हुई होती हैं, जिनके बाल सोने और चांदी के थे। जिसे देखकर मोहन बोलता है, ये कैसी बला है, इन लड़कियों के बाल सोने और चांदी के हैं? चल चोरी छुपे इनके बाल काट लेते हैं, जिसे बेचकर हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। हाँ तो सही कह रहा है। इतना बोलकर वो दोनों उसके बाल काटने लगते हैं। तभी उन दोनों की आंख खुल जाती है और वो सुंदर लड़की से एक चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल को देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डरते हुए उससे बोलते हैं, हमें छोड़ दो, मत मारो हमें, जाने दो हमें यहाँ से। माफ कर दो हमें, हम दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, भगवान के लिए हमारी जान बख्श दो। तुमने लालच करके बहुत बड़ी गलती की है और गलती की सजा सिर्फ मौत होती है, और वो सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। इतना बोलकर दोनों चुड़ैल उन दोनों को मारकर खा जाती हैं। ऐसे ही हर रात चुड़ैल लालची लोगों को मारकर खा जाया करती थी। जो भी उसके महल में लालच के इरादे से जाया करते थे, गांव में धीरे धीरे लोग गायब होने लगे और इस वजह से गांव के लोग डरने लगते हैं। तभी एक दिन गाँव का बूढ़ा आदमी बोलता है, शायद गांव में गायब हो रहे लोगों के पीछे इस महल का हाथ है, क्योंकि आज तक जो भी इस महल में गया वो कभी लौट कर वापस नहीं आया।
और पता नहीं क्यों लोग इन सुनहरे बालों वाली के जाल में फंसते जा रहे हैं। जब बूढ़ा आदमी ये सब बोल रहा होता है तभी वहां पर गांव का मुखिया आ जाता है और बोलता है, आज के बाद से कोई भी इंसान ना ही इस महल में जाएगा और ना ही उसकी तरफ देखेगा। जब गांव के लोग ये सब बातें कर रहे होते हैं तो वहीं खड़ा विकास और आवेश उनकी बातें सुन रहे थे, जो कि शहर से गांव में घूमने आए थे। और गांव वालों की बातों को सुनकर विकास अपने दोस्त आवेश से बोलता है, यार आवेश, ये जो गांव वाले बोल रहे हैं क्या तुझे भी वो सब सुनकर सच लग रहा है? क्या सच में आज के टाइम में भी सोने और चांदी के बाल वाली लड़कियां होती हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब से मैंने ये बात सुनी है मुझे उन्हें देखने की बहुत ज्यादा उत्सुकता हो रही है। कैसे भी करके मैं उन्हें बस एक बार देखना चाहता हूँ। देखना तो मैं भी चाहता हूँ, पर हम उसे देखें कैसे? लेकिन तूने सुना नहीं कि जो भी उस महल में जाता वो वापस नहीं आता? अब तू ही बता हमें क्या करना चाहिए। यार मैं तो सोच रहा हूँ क्यों ना हम रात के समय उस महल में चुपके से जाएं और उन दोनों बहनों को देख लें, और सुबह होने से पहले वापस भी आ जाएंगे, इससे किसी को भी पता नहीं चलेगा। हाँ यार, कह तो बिल्कुल सही रहा है, चल आज रात ऐसा ही करते हैं। थोड़ी देर के बाद जब रात हो जाती है तो दोनों दोस्त उस महल में चुपके से जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों महल के अंदर कदम रखते हैं वो सुंदर महल एक भूतिया महल में बदल जाता है। चारों तरफ बड़े बड़े मकड़ी के जाले होते हैं, जिसे देखकर विकास बोलता है, अरे ये महल तो बाहर से बहुत सुंदर नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर आए ये खंडहर कैसे बदल गया, इसे देखकर तो मुझे डर लग रहा है। विकास ने इतना बोला ही था कि तभी वहां पर दो चुड़ैल आ जाती हैं और हंसते हुए बोलती हैं, तुम्हें भी सोने और चांदी के लालच ने खींच कर यहाँ ले आया, चलो अच्छा ही है, इंसान हर बार लालच में आकर गलती कर बैठते हैं और हमारा शिकार बन जाते हैं। दीदी ये इंसानी फितरत होती कुछ ऐसी है कि बार बार अपने लालच के चक्कर में अपनी मौत को गले लगा लेते हैं, पर हमारे लिए तो अच्छा ही है, अब हम इन्हें मार कर अपनी भूख मिटाएंगे। चुड़ैल को अपने सामने देखकर और उनकी बातें सुनकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और डरते हुए विकास उनसे बोलता है, नहीं रुको, हमें मत मारो, जैसे तुम समझ रही हो हम वो नहीं है, हम यहाँ ना तो तुम्हें नुकसान पहुँचाने आए हैं और ना ही चोरी करने, हम तो बस यहाँ तुम्हारे सुनहरे सोने और चमचमाते चांदी के बाल देखने आए थे, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो हम वो भी नहीं देखेंगे और यहाँ से वापस चले जाएंगे। भगवान के लिए हमारी जान बख्श दो, हम यहाँ बस तुम्हें देखने के लिए आए थे, क्योंकि गांव वालों की बातें सुनकर हमें तुम्हें देखने की उत्सुकता हो रही थी। विकास और आवेश की बात सुनकर पहली चुड़ैल उससे कहती है, हम तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन कर ले? अगर तुम्हें हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो बेशक तुम हमें मार दो, लेकिन हम सच कह रहे हैं। आवेश के इतना कहते ही दोनों चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती हैं और ईशा कहती है, आज तक हमारे इस महल में लोग सिर्फ सोने चांदी को लूटने के लिए आया करते थे, लेकिन आज पहली बार इस महल में कोई नेक और ईमानदार इंसान आया, और वो तुम दोनों हो, और तुम्हारी इसी ईमानदारी से हम श्राप मुक्त हो गए, इसके लिए तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। कैसा श्राप, ये तुम क्या बोल रही हो, और हमने तुम्हारी कैसे मदद की, क्या तुम हमें बता सकते हो? विकास के पूछे जाने पर ईशा की बड़ी बहन ऐश्वर्या उससे कहती है, हम दोनों बहनें हैं और इस महल की राजकुमारियां हैं। और ये बात कई साल पहले की है। एक दिन वो दोनों बहनें बालकनी में खड़ी होकर बाहर के नजारे देख रही थी, तभी उनकी नजर एक लंगड़े तपस्वी बाबा पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो दोनों बोलती हैं, जरा उस लंगड़े तपस्वी बाबा को तो देखो, कैसे वो चल रहे हैं, उनकी चाल किसी बलखाती हुई नागिन की तरह लग रही है। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी गाने की ताल पर थिरक रहे हों। इतना बोलकर वो दोनों बहुत हंसने लगती हैं। तभी तपस्वी बाबा उनकी सारी बातें सुन लेते हैं और वो उनसे बोलते हैं, तुम्हें अपने सौंदर्य और अपने सोने और चांदी के बालों के ऊपर बहुत घमंड है, जिसकी वजह से तुम दोनों मेरा मजाक बना रही हो, लेकिन मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ
कि तुम्हारा ये सुंदर रूप एक चुड़ैल में बदल जाए और तुम दोनों एक भयंकर चुड़ैल बन जाओ। तपस्वी बाबा के इतना बोलते ही दोनों चुड़ैल के रूप में बदल जाती हैं और अपने इस रूप को देख दोनों बहुत रोती हैं और बाबा से माफी मांगने लगती हैं। उन्हें रोता देख बाबा को उन पर तरस आ जाता है और वो बोलते हैं, तुम्हारा ये श्राप उस दिन टूट जाएगा जिस दिन तुम्हें कोई नेक और ईमानदार इंसान मिलेगा, और जब तुम उसे अपना सच बताओगी उस दिन से तुम हमेशा के लिए अपने असली रूप में आ जाओगी। इतना बोलकर बाबा वहां से चले जाते हैं। और आज हम तुम्हें अपना सच बताकर इस श्राप से मुक्त हो गए हैं, अब हम हमेशा के लिए अपने इस रूप में रहेंगे। जिसके बाद वो दोनों बहनें विकास और आवेश को खुशी से तोहफे में सोने और चांदी देती हैं और उन्हें वहां से भेज देती हैं। चुड़ैल की सोने की दाढ़ी। अरे चलो चलो जल्दी आराम से चलो और आवाज बिल्कुल भी मत करना। लेकिन भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर उस चुड़ैल ने हमें मार दिया तो हम लोग क्या करेंगे? अरे तू चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना तेरे साथ, और फिर एक ना एक दिन तो हमें मरना ही था, क्यों ना हम कुछ अच्छा काम करके ही मरे। लेकिन भैया हम शहर जाकर अपनी जिंदगी नए सिरे से भी तो शुरू कर सकते हैं। अगर तू अपनी जिंदगी देखेगा तो कई जिंदगी दांव पर लग जाएंगी, इसलिए मेरी बात मान, अपने डर को बाहर निकाल और मेरे साथ चुड़ैल का सामना करने चल, आज हम दोनों चुड़ैल की दाढ़ी काट कर ही रहेंगे। ठीक है भैया, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, चलो आज उस चुड़ैल की दाढ़ी काट कर ही रहेंगे। रोहन और सोहन दोनों भाई चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाते हैं। जैसे वो गुफा के अंदर पहुंचते हैं उन्हें चारों तरफ इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई नजर आती हैं, जिन्हें देखकर रोहन डर से कांपने लगता है। तभी सोहन अपने भाई रोहन का हाथ पकड़ लेता है और उसे हौसला देते हुए अंदर ले जाने लगता है। रोहन के हाथ में एक बहुत बड़ी छड़ी होती है और सोहन के हाथ में कैंची होती है। रोहन भाई, मेरे भाई तू छड़ी से चुड़ैल को मेरे पास आने से रोक लियो, मैं चुड़ैल की सोने की दाढ़ी काट। गुफा की कुछ ही दूरी पर चलने के बाद अंदर उन्हें चुड़ैल सोते हुए नजर आती है। चुड़ैल की सोने की दाढ़ी इतनी लंबी होती है कि वो जमीन पर पड़ी होती है। तभी सोहन चुपचाप उसकी सोने की दाढ़ी काटने के लिए जाता है। जैसे वो दाढ़ी को छूता है चुड़ैल नींद से जाग जाती है और सोहन को उठाकर पटक देती है। अच्छा तो तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी गुफा में मेरी सोने की दाढ़ी काटने चला आया, रुक तुझे मैं अभी बताती हूँ। रोहन बहुत बुरी तरह डर जाता है, जिसके बाद रोहन डर के मारे कांपने लगता है और हाथ से छड़ी को जोर से पकड़ लेता है। देखो मेरे पास मत आना, अगर तुम मेरे पास आई तो मैं तुम्हें छड़ी से मार दूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अरे तेरी ये छड़ी मेरी जादुई शक्तियों के आगे कुछ नहीं कर पाएगी। चुड़ैल अपनी शक्तियों से रोहन के हाथ से छड़ी छीन लेती है, जिसके बाद चुड़ैल रोहन और सोहन दोनों भाइयों को उठा उठा कर पटकने लगती है। तुम जैसे लालची लोग मेरी सोने की दाढ़ी काटने आ जाते हो, मैं तुम्हें ये दाढ़ी किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी, जब भी कोई इस गुफा में मेरी दाढ़ी काटने आएगा मैं उसे जान से मार दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल सोहन और रोहन को बहुत बुरी तरह पटक पटक कर मार देती है, जिसके बाद वो अपनी सोने की दाढ़ी को सहलाते हुए आराम से सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है गांव के सभी लोग सोहन और रोहन के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन उनके ना आने पर सभी लोग आपस में बात करते हैं। अरे मेरे बेटे अभी तक नहीं आए, लगता है चुड़ैल ने उन्हें मार दिया, तुम गांव वालों की वजह से मेरे बेटे ने अपनी बलि चढ़ा दी। अरे शोभा बहन हमें माफ कर दो, हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं था, हम सभी इस गांव में फंस गए हैं, कहां जाएं कुछ समझ नहीं आता। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, दवाई ना खाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, और कब तक हमारा गांव इस तरह भुखमरी झेलता रहेगा। वो गांव बहुत गरीब था, जिसकी वजह से गांव के सभी लोग भुखमरी के चलते मर रहे थे। देखते ही देखते कई लोग मर जाते हैं, जिसके चलते गांव के कई लोग चुड़ैल की गुफा में जाते हैं और उसकी सोने की दाढ़ी काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार की तरह चुड़ैल लोगों को मार देती है। एक दिन चुड़ैल गांव के लोगों को मारने के बाद सोचती है, आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये गांव के लोग मेरी सोने की दाढ़ी के पीछे क्यों पड़े हैं, मुझे इस बात का पता लगाने के लिए गांव जाना होगा। ऐसा सोचकर चुड़ैल गांव में पहुंच जाती है, जिसके बाद चुड़ैल को गांव की भुखमरी और भुखमरी के चलते लोग मरते हुए नजर आते हैं। अरे ये क्या, इस गांव के अंदर तो लोग भूखे मर रहे हैं, शायद यही वजह है कि ये लोग मेरी सोने की दाढ़ी को काटने आते थे, अगर ऐसा रहा तो ये गांव के सभी लोग मर जाएंगे, मुझे इन लोगों की मदद करनी चाहिए।
चुड़ैल अपनी सोने की दाढ़ी काट कर गाँव में छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद जैसे ही सवेरा होता है, गांव के सभी लोगों को चुड़ैल की सोने की दाढ़ी मिल जाती है। चुड़ैल की सोने की दाढ़ी लेकर गांव वाले उसे शहर में ले जाकर बेच देते हैं, जिससे वो गांव के गरीब घरों में राशन और दाना पानी देते हैं। ऐसे ही हर रोज चुड़ैल अपनी सोने की दाढ़ी काट कर गाँव में फेंक देती, जिसके चलते गाँव के कई गरीब घरों को खाना मिल जाता है और उसकी परेशानियाँ खत्म होने लगती है। आखिरकार हम गाँव वालों की परेशानियाँ दूर हो ही गयी। भला हो चुड़ैल का जो अपनी सोने की दाढ़ी रोज काट कर गांव में डाल जाती है। अरे आज हम लोगों को उस चुड़ैल का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, हमें चुड़ैल का शुक्रिया अदा तो करना ही चाहिए, आखिरकार उसने हमारी इतनी मदद जो की है। गांव के सभी लोग रात को चौंकने रहते हैं। जैसे ही चुड़ैल उड़ती हुई आती है तो गाँव के सभी लोग उसे घेर लेते हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तुम रोज रात को आती हो और हमारी मदद करती हो, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए आज तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आज तुम्हारी वजह से हमारे गांव के लोग जिंदा हैं और तरक्की कर रहे हैं, पहले की तरह सब कुछ ठीक होने लगा है, हमारे लिए ये सब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम न होती तो पता नहीं इस गाँव का क्या होता, ये गाँव तो वीरान हुई हो जाता। चुड़ैल बहुत ही कमजोर सी लग रही होती है, उसके अंदर पहले जितनी शक्ति नहीं होती। ये सब देखकर गांव के लोग उससे पूछते हैं, क्या हुआ चुड़ैल जी, तुम इतनी कमजोर क्यों नजर आ रही हो, तुम तो एक चुड़ैल हो और चुड़ैल तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। हाँ हाँ सही कहा तुमने, चुड़ैल तो बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन जैसे सब चुड़ैल की शक्ति उनके बालों में होती है, ऐसे ही मेरी शक्ति इन सोने की दाढ़ी में थी। जब से मैंने अपनी दाढ़ी काटनी शुरू की है तब से ही मेरी शक्तियाँ भी कमजोर होने लगी है। चुड़ैल तुमने हम लोगों के लिए अपनी सारी शक्तियाँ दांव पर लगा दी, हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करें, तुमने तो अपनी कुर्बानी देकर हमारी मदद की है। अरे एक ना एक दिन तो वैसे भी मुझे इस चुड़ैल के रूप से छुटकारा मिलना ही था, वैसे भी मैंने बहुत गलत काम किए हैं, लोगों को बहुत परेशान किया है, उन्हें बहुत सताया है, जिसकी सजा तो मुझे भुगत कर जानी ही थी। जैसे ही चुड़ैल अपनी दाढ़ी काटती है उसका शरीर अपने आप जलने लगता है, देखते ही देखते वो जलकर राख हो जाती है और अचानक से वो एक परी में बदल जाती है, जिसके बाद आसमान से एक आवाज आती है, तुम्हारी सजा समाप्त हुई, तुमने इन बेसहारा गरीब लोगों की मदद करके अपनी सजा खत्म कर ली है, अब तुम स्वर्ग में प्रवेश ले सकती हो। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है और स्वर्ग के रास्ते पर चल पड़ती है। ये सब देखकर गांव वालों को भी बहुत खुशी मिलती है। उस दिन के बाद से उन गांव वालों की परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। चुड़ैल का भूतिया जादुई सोने का शहर। घने जंगलों को पार कर चुड़ैल एक शहर की ओर जाती है और पहाड़ पर खड़े होकर वहां हो रही हर चीज को वो अपने जादू से सोने का एक सुनहरा शहर बना देती है और कहती है, आखिरकार मैंने अपनी जादुई शक्तियों से इस शहर को एक सोने का शहर बना ही दिया, जहां सिर्फ मेरा राज होगा, सिर्फ मेरा। ये कहकर जब चुड़ैल शहर में अपना कदम रखती है तो वहां उसे सोने की बस, सोने का घर, फ्रूट सब्जियां, सोने का इंसान, साइकिल, बगीचा, बल्कि हर चीज, वो मामूली शहर एक सुनहरे सोने के शहर में बदल गया था। फिर चुड़ैल कहती है, अब से ये शहर सुनहरी नगरी के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सभी यहाँ मेरे गुलाम होंगे और कोई नया पंछी मेरी नगरी में पर भी नहीं मारेगा, वरना मैं उसका कुछ और ही हाल कर दूंगी। अरे बाप रे बाप, मंजू ये शहर एकदम सोने का शहर कैसे बन गया, अरे मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वही मैं भी सोच रही हूँ, आखिर चंद पलों में ही ये शहर एक सोने का शहर कैसे बन सकता है, जरूर यहाँ कोई ना कोई तो आया है और अब मुझे लगता है कि हम सबके साथ बहुत बुरा होने वाला है। ज्योति बिल्कुल ठीक कहती है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यहाँ कोई ना कोई आएगा ही आएगा। फिर तो सबको साथ रहकर होशियार रहना होगा, वो सब तो ठीक है पर सलोनी कहाँ है, मुझे वो नहीं दिख रही। हमें आगे जाकर ढूंढना चाहिए। सभी मिलकर आगे जाकर ढूंढने लगते हैं। इन लोगों को देखकर लगता है कि चुड़ैल का जादू सिर्फ शहर पर हुआ है, कुछ लोग ही सोने के बने हैं, बाकी सभी लोग अभी भी इंसानी रूप में हैं। क्या चुड़ैल ने जानबूझकर लोगों को छोड़ा था या बात कुछ और थी, आखिर आगे क्या होने वाला था, क्यों चुड़ैल ने एक मामूली शहर को सोने का शहर बनाया था,
जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहते ही चुड़ैल एक सोने की बाइक पर बैठकर आती है और छोटे मोटे बम के धमाके करने लगती है और माइक से लोगों को कहती है, जितने भी लोग शहर में हैं, मैं आप सबको बता दूं कि मैंने कुछ लोगों को सोने का बना दिया है। कुछ लोग बहुत देर से ढूंढ भी रहे होंगे अपने चाहने वालों को। सारे लोग ध्यान से सुनना, अब से तुम सभी लोग मेरे गुलाम हो। किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की या कोई भी इस गांव से बाहर गया तो वह तुरंत मर जाएगा। तुम लोगों को रहना यही है, तो तुम खुशी से रहना, जो चाहे करना, लेकिन मुझसे दगाबाजी नहीं चलेगी। तो जाओ, इस सड़क के नीचे सोने की खदान है, वहां से सोना टुकड़ों में लाकर बीच मैदान में मेरी एक सोने की मूर्ति बनाओ। चलो जल्दी करो। और हाँ, ये सोने के साथ जादुई शहर भी है, तो जादू से तुम कुछ भी कर सकते हो। खाना बनाना हो, सफाई करानी हो, बर्तन या कपड़े धोने हो, कुछ भी जादू से कर सकते हो। अरे कौन हो तुम और क्यों तुमने हमारे साथ ऐसा किया है? हम तुम्हारे गुलाम क्यों बने आखिर? हाँ हाँ बोलो बोलो, क्यों बने? आखिर हम एक चुड़ैल की सेवा क्यों करें? क्यों तुम्हारी भव्य मूर्ति बनाएं? लगता है कुछ देर पहले तुमने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। यहाँ पर जो भी चीज होगी, रहना खाना पीना, सब तुम अपनी मर्जी से करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। जादुई सोने की नगरी है मेरी, जितना ऐश करना है करो, उसके बदले में मेरे गुलाम बनकर मेरा काम करो, और जो नहीं करेगा उसका हाल देखो कैसा होगा। ये कहते ही चुड़ैल सुषमा और मीत को हवा में उठाकर पटकती है और उसे सोने का बना देती है, जिससे उनके परिवार के लोग कहते हैं, अरे रे 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 चुड़ैल जी, आपने ये क्या बात कर दिया, छोड़ दीजिए मेरी बेटी को, हम आपकी बात मानेंगे। अरे मेरे बेटे को छोड़ दो प्लीज, ऐसे मत करो, हम तुम्हारी बात मानेंगे, जो बोलोगे वो करेंगे, बस हमें कुछ मत कहो। इसका मतलब तुम लोग मेरी सोने की बड़ी सी मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो, क्यों हो ना? वैसे तुम्हें अपने बच्चे की सोने की मूर्ति अच्छी नहीं लगी क्या? अरे हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, अरे बच्चों को छोड़ दो, हम सब मिलकर तुम्हारी सोने की मूर्ति जरूर बनाएंगे, अब छोड़ दो बच्चों को। चलो तुम इतना कहते हो तो छोड़ ही देती हूँ। ये कहते ही चुड़ैल उन दोनों को फिर से पहले जैसा बना देती है, साथ ही बुड्ढे की लाठी को सोने में बदल देती है और कहती है, जा बुड्ढे मौज कर ले अपनी सिर्फ इस जड़ी के साथ। कुछ देर बाद सभी लोग उस खदान में जाकर सोने की हथौड़ी और छेनी से सोने के टुकड़ों को निकाल कर ऊपर की ओर लाते हैं और जमा करते हैं। वक्त बीतता है, करीब 10 दिन से सुनहरे शहर के सभी लोग चुड़ैल की सोने की मूर्ति बनाने में व्यस्त थे, तो वही काम करने के बाद वो लोग अपने सोने के घर में जाकर सोने की जादुई झाड़ू से कहते हैं, हे सोने के जादुई झाड़ू, मेरे पूरे घर को अच्छे से चमका दे और साफ कर दे। खाना बनाना है, कैसे खाना बनाऊं, कुछ तो है ही नहीं। पूजा की ये बात सुनकर चकला बेलन कड़छी जो कि जादुई थे, वो उसके सामने आकर कहते हैं, तुम फिकर मत करो, अब तुम एक जादुई शहर में हो, तुम्हें जो खाना है हमें बता दिया करो, हम बना दिया करेंगे। हाँ बिल्कुल, बेलन सही कह रहा है, तुम्हें जो बनाना है हमें बता दो। विश्वास ही नहीं हो रहा कि रसोई के सोने के बर्तन भी बोल सकते हैं। खैर पूछ रहे हो तो पनीर नान, शाही पनीर, दाल मखनी, आलू की कचौड़ी, ये सब बना देना, और हाँ रायता भी। बस इतनी सी बात, अभी बनाते हैं। रसोई के सुनहरे बर्तन ये कहते ही 2 मिनट में जादू से वो सारा खाना बनाकर खुद ब खुद डाइनिंग टेबल पर चले जाते हैं। और पूजा कहती है, मम्मी पापा जल्दी आइए, खाना बन गया और आज का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। अरे वाह बेटा, खुशबू तो बहुत अच्छी है, अरे तुमने इतनी जल्दी खाना भी बना लिया। हाँ बेटा, आज से पहले इतनी जल्दी तो तुमने कभी नहीं बनाया। लगता है पापा भूल गए चुड़ैल की बातों को, उसकी ये नगरी एक जादुई सोने की शहर है जहाँ हर चीज जादू और सोने से होती है, तो बस खाना भी जादू से तैयार हो गया, करछी बेलन कढ़ाई ने खुद बनाया है। ये तो बात मेरे ध्यान से ही निकल गई, तो चलो सब बैठकर खाना खाते हैं। सभी लोग जैसे ही बैठकर खाना खाते हैं तो उनका डाइनिंग टेबल हवा में उड़ने लगता है, वो सब अपनी कुर्सियों पर बैठकर हवा में खाना खाते हैं।
वहीं दूसरी ओर कार्तिक झाड़ू पर बैठकर सोने के जादुई शहर की सैर कर रहा होता है। ये वहू, अरे वाह, सोने की जादुई झाड़ू पर झूमकर तो बहुत मजा आ रहा है। यहाँ से सारे सोने के घर कितने चमकते हुए मोती लग रहे हैं। वाह चुड़ैल, चुड़ैल भी हमें इस तरह खुश रहने का मौका देगी, लगा नहीं था मुझे। तभी चुड़ैल भी अपनी सोने की जादुई झाड़ू पर बैठ कर आती है और उसकी गर्दन पकड़कर कहती है, बेटा मैं बहुत देर से देख रही हूँ, काफी उछल कूद रहे हो, अब जरा मेरी मूर्ति भी बना लो जाकर। जी 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 हाँ चुड़ैल जी, मैं जा ही रहा था, थक गया तो थोड़ा घूमने आ गया। तभी दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। एक तरफ चुड़ैल की आधी मूर्ति बन चुकी थी तो वहीं दूसरी तरफ जंगल के किनारे से कुछ लोग आ रहे थे। अरे चमकता हुआ सा ये जगह क्या है? अरे सिम्मी, तूने कभी सुना नहीं है क्या, यहाँ एक सोने का शहर है। इस गुफा, गहरे जंगल और झरने को पार करते ही पानी के उस ओर एक सोने का शहर है। यदि हम वहाँ पहुँच गए तो बहुत सारा सोना वहाँ से यहाँ ला सकते हैं। क्या ऐसा सच में हो सकता है? अगर ऐसा है तो चलते हैं। दोनों जैसे ही घने जंगल को पार कर उस झरने की ओर आते हैं तो वो चुड़ैल उन्हें देख लेती है और उनके सामने आकर कहती है, यहाँ से आगे कहाँ जाने की सोच रहे थे तुम लोग? कहीं नहीं, हम बस यूं ही यहाँ से गुजर रहे थे, हम घर जा रहे हैं। मुझ जैसे चुड़ैल को बेवकूफ बनाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ तुम मेरी सोने की नगरी के पीछे आए थे, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये कहते ही चुड़ैल उन दोनों को वहाँ ले आती है और सोने का पुतला बनाकर शहर के चौराहे पर लगा देती है, जहाँ से वो दोनों पुतले अपनी आंखों से सब देख पा रहे थे पर कुछ कर नहीं सकते थे। आगे क्या होगा? क्या चुड़ैल उन दोनों को छोड़ देगी या हमेशा पुतला बनाकर रखेगी? आखिर चुड़ैल अपनी सोने की मूर्ति बनवाने के बाद क्या करना चाहती थी? क्या सुनहरे जादुई शहर के लोग कभी आजाद हो पाएंगे? जानने के लिए कहानी के अगले दिलचस्प भाग का इंतजार कीजिए। इंतजार। रात का समय था और एक मधु नाम की लड़की अपनी डोली में बैठी हुई थी। उसकी डोली को चारों तरफ से डोली वालों ने उठा रखा था और बारात घर की तरफ जा रही थी। मधु अपनी शादी से बहुत खुश थी, लेकिन उसके अंदर एक डर था। कुछ ही देर में 12 बज जाएंगे और ये वही जगह है। हे ऊपर वाले, कोई अनहोनी मत होने देना, अब बस सब कुछ तेरे हाथ में है। तभी अचानक से एक डोली वाले का पैर फिसल जाता है, जिसके बाद डोली अचानक से नीचे गिर जाती है और मधु को चोट लग जाती है। ये सब देख मधु का पति विराट घोड़े से नीचे उतरता है और डोली वालों को चिल्लाते हुए कहता है, अरे तुम काम चोरों से एक डोली नहीं उठाई जा रही, शर्म करो, शर्म करो, तुम चार लोग एक लड़की को नहीं उठा पा रहे हो। अगर अब की बार किसी ने कोई भी गलती की तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह मारूंगा। तभी डोली के अंदर से मधु बाहर निकलती है और विराट से कहती है, अजी आप गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए, देखिए समय ज्यादा हो गया है, हमें यहाँ से चलना होगा। मधु की बात सुनकर विराट शांत हो जाता है और बारात को आगे ले चलने लगता है, लेकिन तभी मधु का ध्यान उसके हाथ की तरफ पड़ता है। अरे ये क्या, मेरे हाथ में से वो ताबीज कहाँ खुल कर गिर गई, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो अनर्थ हो गया। तभी मधु अपनी घड़ी में देखती है जिसमें पूरे 12 बज चुके होते हैं, जिसके बाद वो धीरे धीरे एक बहुत ही भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जो चाहती हूँ वो करके ही रहूंगी। तभी डोली वालों को डोली बहुत भारी लगने लगती है, जिसकी वजह से वो चारों डोली को अपने कंधों से उतार कर नीचे रख देते हैं और विराट से कहते हैं, भाई साहब क्या बताऊँ, बहुत भारी लग रही है डोली, इसे उठाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तभी अचानक से डोली के अंदर से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आती है, जो सबसे कहती है, भारी तो लगेगी ही, क्योंकि इसके अंदर दुल्हन के साथ साथ एक चुड़ैल भी है। लेकिन अफसोस, मैंने उस दुल्हन को मार दिया है और अब तुम्हारी बारी है। ये देखकर चुड़ैल एक एक करके उन सबको मारने लगती है, जिसके बाद चुड़ैल विराट को भी मार देती है और उसके गले में रस्सी बांध कर अपनी डोली से बांध देती है। जितने भी लोगों को उसने मारा था वो मर कर भी जिंदा थे और चुड़ैल की डोली को उठा कर ले जा रहे थे। वो भूतिया लोग चुड़ैल की डोली को जंगल के अंदर एक गुफा में ले जाते हैं,
जहाँ चुड़ैल विराट के शरीर को एक बड़े से पत्थर के ऊपर रखकर उसके टुकड़े टुकड़े करके खाने लगती है। कितना स्वादिष्ट है, ऐसे ही मैं हर एक दूल्हे को मारकर खा जाऊंगी और किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन जैसे ही दूल्हे और दुल्हन के माता पिता को दुल्हन और दूल्हे के गायब होने की खबर मिलती है, वो चारों तरफ उन्हें ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें ढूंढ नहीं पाते। हे भगवान, कहाँ गायब हो गई है मेरी बेटी, कोई पता ही नहीं लग रहा। आखिर धरती नहीं गल गई या आसमान खा गया। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी बेटी की शादी की थी और उसे ताबीज पहनाई थी, उसके बावजूद भी उसके साथ ही ये सब हो गया। अब मैं क्या करूँ। शकुंतला का रो रो कर बहुत बुरा हाल था, जिसके बाद शकुंतला का पति राजीव उससे कहता है, हौसला रखो शकुंतला, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं। उस चुड़ैल से हम अकेले नहीं निपट सकते, हमें तांत्रिक बाबा की मदद चाहिए होगी। अपनी बेटी को वापस पाने की लालसा में राजीव और शकुंतला एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें अपनी पूरी बात बता देते हैं, जिसे सुनकर तांत्रिक बाबा उन दोनों से कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे गाँव चलना होगा, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। शकुंतला और राजीव तांत्रिक बाबा की बात मान लेते हैं और शाम होते होते वो उन्हें अपने गांव ले आते हैं। जैसे ही तांत्रिक बाबा गांव में कदम रखते हैं, उन्हें एक बहुत ही बुरे साहे के होने का अनुमान लगता है, जिसके बाद तांत्रिक बाबा अपनी तंत्र विद्या की तैयारी शुरू कर देता है और जैसे ही रात होती है वो एक घेरे में बैठकर मंत्र पढ़ने लगता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल वहाँ प्रकट हो जाती है, जिसके बाद तांत्रिक उससे पूछता है, कौन है तू और यहाँ पर क्या कर रही है, क्यों इन गांव वालों को परेशान कर रही है, चली जा यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुझे यहाँ से भगाने वाला तू होता कौन है, तू जानता नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। देख चुड़ैल, सीधी तरह अपना मकसद बता दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तांत्रिक के कई बार बोलने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक भी नहीं सुनती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा को गुस्सा आता है और वो अपने मंत्रों के द्वारा भभूति पढ़कर चुड़ैल के ऊपर फेंक देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल बहुत कमजोर पड़ जाती है और तड़पने लगती है। बता चुड़ैल, अगर अभी भी नहीं बताया तो तेरा इससे भी बुरा हाल कर दूंगा। रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। कुछ समय पहले मैं इस गाँव में रहा करती थी और एक दिग्विजय नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी। दिग्विजय बहुत अमीर था और गांव की सभी लड़कियां उसके पीछे पागल थीं, लेकिन वो मेरे पीछे पागल था और हम दोनों की शादी भी हो गई थी। मेरी डोली जंगल के रास्ते से जा रही थी, लेकिन तभी दिग्विजय को एक कॉल आया। तुम्हारे पिताजी ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया था और उसके मुताबिक तुम्हें वीर सिंह दीवान की लड़की से शादी करनी थी। तुम्हारी शादी की खबर सुनते ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि वो लोग माफिया डॉन है और वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपने पिता को बचा लो और वापस लौट जाओ। दिग्विजय ने उसी समय मेरा साथ छोड़ दिया और मुझे छोड़कर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। मुझसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने वहीं जंगल में अपनी जान दे दी, जिसके बाद मैं एक बहुत भयानक चुड़ैल बन गई। तब से मैं दूल्हे को मार कर खा जाती हूँ और ऐसा करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। देख चुड़ैल, तेरे साथ जो भी हुआ उसे भूल जा और इस गाँव को छोड़ कर यहाँ से चली जा। इन मासूम लोगों को मारना बंद कर, इन्होंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, ये बेकसूर है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी मौत का बदला सबसे लूंगी। तांत्रिक चुड़ैल को कई बार समझाता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा को न चाहते हुए भी चुड़ैल को मुक्ति दिलाने के लिए अपना आखिरी मंत्र पढ़ना पड़ता है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमन 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 निवाद निगम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवा शिवम। मंत्र के उपचारों से चुड़ैल बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती है और उसका शरीर अपने आप जलने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। चुड़ैल के गोलगप्पे और बच्चे। शाम के बाजार में एक मोहना अलग ही गोलगप्पे का ठेला लगाकर अलग अलग प्रकार के गोलगप्पे बेच रही थी। गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे हरी चटनी लाल चटनी और चॉकलेट वाले कैंडी वाले गोलगप्पे ले लो, बच्चों के लिए स्पेशल चॉकलेट कैंडी के गोलगप्पे। मोहना के गोलगप्पे के बारे में सुनकर कुछ लोग मुंह बनाकर जा रहे थे, तो कुछ बच्चे चॉकलेट के नाम से उन गोलगप्पा को खाने की जिद करते हैं। तभी दिया की माँ ममता कहती है, अरे दिया, पता नहीं वो कैसे गोलगप्पे होंगे,
मुझे तो चटपटी गोलगप्पे अच्छे लगते हैं। माँ माँ मुझे गोलगप्पे खाने हैं। वो आंटी ना चॉकलेट और कैंडी वाले गोलगप्पे बेच रही हैं। मुझे खिलाओ ना। पर बेटा। माँ प्लीज मुझे खिला दो ना, वो कभी मैंने ट्राई भी नहीं किया है, चॉकलेट वाले गोलगप्पे। अच्छा ठीक है, चलो खिलाती हूँ।